हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक कार्यवाही होती है या आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है, तो ऐसे में उस आरोपी व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। हमारे भारत में ये कानून है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक कार्यवाही की जाती है, कोई आरोप लगाया जाता है, तो वो व्यक्ति कानून की नज़रों में तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उस पर ये साबित ना हो जाए कि उसने वो अपराध किया था। तो ऐसे में उस व्यक्ति के क्या अधिकार बनते हैं हमारे संविधान में, या हमारे कानून के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को क्या अधिकार दिए गए हैं? आरोपी व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उसको न केवल हमारे संविधान के अंदर बल्कि अलग अलग कानून के तहत भी संरक्षित किए गए हैं। इसका कारण ये है कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई अपराध साबित ना हो जाए, तब तक वो अपराधी नहीं होता। इसलिए कुछ बुनियादी अधिकार उसे जरूर मिलने चाहिए, जिन्हें किसी भी मामले में उनसे नहीं छीना जा सकता। भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई कानून लागू किया गया है, तो उसके उल्लंघन को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, तब तो वो अपराधी है। लेकिन अगर उस कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस सुरक्षा को किसी व्यक्ति को गलत तरीके से मुकदमा चलाने से बचाने की गारंटी दी गई है। चलिए ये जानते हैं कि किसी आरोपी व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति कौन होता है कानून की नज़रों में। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है जब तक कि अपराध उस पर पूरी तरह से साबित ना हो जाए। इस कानून को भारत में सभी को मानना पड़ता है, सभी कोर्ट्स में ये लागू होता है कि अपराध को साबित होने तक एक व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे कानून हैं जैसे कि दहेज मृत्यु, महिलाओं से रिलेटेड कानून या पॉक्सो एक्ट, इनमें जो निर्दोष साबित करने का बर्डन होता है वो आरोपी व्यक्ति पर ही होता है। उसे ही ये साबित करना होता है कि वो दोषी नहीं है। इसके अलावा सामान्य नियम तो यही है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो वो तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो आरोप उस पर पूरी तरह से साबित ना हो जाए। भारत का संविधान ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और वो व्यक्ति उस अपराध से बरी हो जाता है, तो दोबारा से उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारत में हर एक व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया संहिता में जो गलत गिरफ्तारी है और उसकी रोकथाम के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी गई है। इस अधिकार के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये अधिकार तभी उपलब्ध होता है जब वारंट जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ पर वारंट जारी नहीं किया जाता, वहाँ पर यह अधिकार नहीं दिया जाता। किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए जो उस पर आरोप लगाए गए हैं, किस लिए गिरफ्तार किया गया है और उस पर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, वो सभी आरोप उसे जानने का अधिकार होता है। किसी भी आरोपी व्यक्ति को कोर्ट में ये पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो अपने पक्ष को रखे, अपने सबूतों को पेश करे और अपने आप को निर्दोष साबित करे। किसी भी आरोपी व्यक्ति का ये पूरा अधिकार होता है कि वो कोर्ट में अपनी बात को रखे, जज के सामने अपनी बेगुनाही को साबित करने का पूरा प्रयास करे। कोर्ट में जो उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं, अगर वो उनको गलत साबित नहीं कर पाता और अगर उसके बाद उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को आरोपी घोषित कर देता है। और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, उसके आधार पर उसको सजा सुना दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।